उदाहरण 9, 231 और 425 का गुणा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम की मदद से ज्ञात करना है। यहां पर भी ऊर्ध्व गुणनफल और तिर्यक गुणनफल के योग का जो कार्य उदाहरण 7 और 8 में किया गया था, उसी प्रकार से यहां भी करना है। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इकाई 1 और 5, दूसरे चरण में 3, 1, 2, 5 दहाई के अंक के साथ, तीसरे चरण में सैकड़े के संख्या के साथ, फिर अगले चरण में 2 अंक और अंतिम चरण में सैकड़े के जो अंक हैं उनका ऊर्ध्व गुणनफल। बीच के चरणों में तिर्यक गुणा और उनका योग। अब गुणनफल प्राप्त करते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे 8। अब हर उस जगह पर जहां पर 2 अंक की संख्या है, वहां से दहाई के अंक को अगले चरण में हासिल के रूप में लेकर के जोड़ेंगे। और यहां हम देखते हैं ये इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इकाई में 5, फिर दहाई के स्थान पे 7, यहां 1 हासिल हुआ तो 20 और 1 21, सैकड़े के स्थान पर 1, फिर यहां से 2 हासिल हुआ इधर तो 16 और 2 18, हजार के स्थान पर 8, और फिर 1 यहां से जो आगे बढ़ा वो हो गया 8 और 1 9। इस प्रकार दिए गए 2 जो संख्याएं हैं 3 अंकों की, उसका गुणनफल 98,175 होगा।